नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ममता अंकित चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभी अभी स्कूल से आई हूँ, लेकिन मैंने आराम करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आज आपको सीटेट की बुक्स बताऊंगी। तो आज मैं बात करूंगी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है, उसकी बुक्स के बारे में। और ये वीडियो स्पेशली इतनी जल्दी में मैं प्रियंका जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनका कहना था फर्स्ट टाइम सीटेट दे रही हैं, बहुत डर लग रहा है। हालांकि आप सबके लिए है। अच्छा, तो सीटेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेपर फर्स्ट, जो कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का है, आज सिर्फ मैं उसकी बात करूंगी। आपको तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। आपको लगेगा एनसीईआरटी की बुक्स क्यों कह रही हूँ, देखिए सीटेट का पूरा क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। आगे चल के भी क्या है, या तो आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, आप केवी में हो गए, नवोदय में हो गए, आर्मी स्कूल में, आप इनमें सब में होंगे, तो वहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ानी है। तो जब वही बुक्स पढ़ानी है तो क्यों ना हम अभी से भी पढ़ लें। और सीटेट का पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे हम किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें, तो आपको केवल सेकेंड क्लास से लेकर सिक्स्थ क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। कौन कौन सी, ईवीएस और मैथ्स की तो आप पढ़ेंगे ही, साथ में हिंदी और इंग्लिश की भी आप पढ़ेंगे। आपको ये चीज़ लगेगी सेकेंड क्लास की एनसीईआरटी या थर्ड क्लास की एनसीईआरटी, ये बुक्स हमारे किस काम की हो सकती हैं, उसमें हमें क्या नहीं आता होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हमने स्कूल में पढ़ाई की थी उसी उन्हीं एनसीईआरटी बुक्स से, उस समय क्या था, जो हमारा बौद्धिक स्तर था हमने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करी थी, तब हम उतने हमने चीज़ें जो है वो हमने ग्रहण नहीं करी थी। लेकिन जब आप इस बार पढ़ेंगे तो आपको वाकई में देखने को लगेगा कि सेकेंड क्लास में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत काम की हैं और शायद हमारे दिमाग से स्लिप हो गई। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि बुक ज़रूर पढ़िए, और एक एक लाइन पढ़नी है बुक की हमें। आपको बुक की एक्सरसाइज भी करनी है, यहाँ तक कि बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, जो पहेलियाँ दे रखी होती हैं, बुझो तो जाने इस तरह दे रखा होता है, सब कुछ आपको पढ़ना है, जो बॉक्स में अलग से दे रखा होता है, ठीक है, नीचे टीचर्स के लिए कहीं कुछ दिया है, आपको थॉरली पूरा पढ़ना है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे देखोगे चीज़ें बहुत इजी वे में समझाई गई हैं, उसमें बहुत आसानी से आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या है, हमारा ईवीएस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये चार चीज़ें तो हमारी इधर से कंप्लीट हो गई। अब हमारा एक पोर्शन बचता है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी एंड साइकोलॉजी। तो ये पोर्शन हम कैसे करेंगे, देखिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका मतलब आपने JBT या फिर BEd, DLed या BTC या अदर स्टेट में जो भी इसके नाम होते हैं, आपने वो क्वालिफाई कर रखा है। तो आपने अगर वो कर रखा है तो आपके पास बाल मनोविज्ञान की बुक भी होगी आपकी अपनी, जो टीचर्स ट्रेनिंग बुक होती है वो आपके पास होगी। उस बुक से बेस्ट बुक कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं वही सजेस्ट करूंगी कि वो आपकी बुक है तो आप उसी से पढ़िए। लेकिन उसमें भी क्या है, पूरी बुक नहीं, आप सिलेबस से पहले उसको मार्क कर लीजिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक से मुझे कितना पढ़ना है। और स्पेशली जो थ्योरीज दे रखी हैं, पियाजे की थ्योरी, कार्ल बर्क्स की थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तो आप वो पढ़िए। अच्छा, आप कुछ लोग सोच में पड़ जाएंगे कि वो बुक तो हमने किसी को दे दी या हमने अपने पास रखी नहीं संभाल के, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास वो बुक नहीं है तब आपको मैं बताऊंगी कि आप जो है CDP के लिए JS अग्रवाल की या लूसेंट की, दोनों बुक्स अच्छी हैं। इन दोनों में भी मैं JS अग्रवाल को ज़्यादा अच्छा कहूँगी कि JS अग्रवाल या लूसेंट की बुक से आप CDP के लिए आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में समझाया गया है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे कि दूसरा हमें क्या करना है। हमने NCERT की बुक्स तो पढ़ ली, अब क्या करें। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत 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 ज़रूरी है लगाना। अपने पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों ज़रूरी है लगाना, वो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप लगाओगे तब आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन तो NCERT से ही रखे हुए हैं, वहीं से बने हुए हैं।
अच्छा, आप अपने आप को फिर चेक भी कर लोगे कि आपने एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ी। जो चीज़ नहीं आए आप बुक में, आपको पता है आप कौन से चैप्टर में क्या है, आप दोबारा उसको देखें कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं जो है आपको रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि सीटेट का क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का किरण पब्लिकेशन का लेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने किरण पब्लिकेशन और अरिहंत दोनों को देखा ध्यान से, तो अरिहंत में मुझे कहीं कहीं कुछ गलतियाँ मिली हैं, जो सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन है तो अरिहंत में मुझे कुछ गलतियाँ मिली हैं, जबकि किरण पब्लिकेशन बहुत अच्छा है। देखिए, मैं किसी की भी स्पॉन्सर नहीं हूँ, बाकी आप स्वच्छंद हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो लेकिन मुझे बेस्ट लगा किरण पब्लिकेशन, तो आप वो लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत 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 ज़रूरी है सॉल्व करना। अब तीसरी चीज़ पे हम आते हैं कि तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस सेट। अब कुछ लोगों को लगेगा यार प्रैक्टिस सेट क्या करना, पढ़ तो रखा है, बच्चे थोड़ी हैं कि प्रैक्टिस सेट करें, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस सेट भी हमें क्यों लगाना है वो भी मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रैक्टिस सेट इसलिए भी लगाना है क्योंकि हमारी स्पीड मेंटेन होगी प्रैक्टिस सेट जब हम लगाते हैं, कि हमें एग्ज़ाम में कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कितने समय में क्या करना है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आपके उतने मार्क्स, जब भी जो लगाते हैं कि इतने मार्क्स मैंने अचीव किए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आपकी चीज़ें प्रैक्टिस सेट लगाने से कहीं ना कहीं रिवाइज होती हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए बुक मैं कोई सी भी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, प्रैक्टिस सेट आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। बस वही चीज़ ध्यान रखिएगा टाइमिंग की, कि अगर प्रैक्टिस सेट में जितना समय दे रखा है आप उससे 10 मिनट कम करके ही यहाँ पे अपना जो है स्टॉप वॉच में टाइम लगाइए, अलार्म लगाइए, 10 मिनट कम करके ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप फायदे में रहेंगे वहाँ पे। सिर्फ ये चीज़ें कीजिए, पहली एनसीईआरटी पढ़िए, दूसरा आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, तीसरा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका काम हो जाएगा बहुत आराम से। अच्छा, हिंदी में एक चीज़ ज़रूर है, हिंदी ग्रामर जब आप देख रहे हैं, स्पेशली समास हो गया, संधि हो गई, उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, मतलब ये तो कंपलसरी है कि आना ही आना है, तो ये आप स्पेशली अलग से पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। बाकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी, ये सब तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बस आप ये तीन काम कीजिए, ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मैंने खुद सीटेट क्वालिफाई कर रखा है एनसीईआरटी बुक्स के ही दम पर, तो ये आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप जो है एनसीईआरटी बुक्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, नहीं तो उनके आप जो है उनकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी पेपर सेकंड के लिए फिर से समय निकाल के मैं दोबारा बताऊंगी, तब तक के लिए आप सभी पेपर फर्स्ट की तैयारी कीजिए, आपका दिन शुभ हो, ईश्वर करे आप सभी सीटेट में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तब तक के लिए नमस्कार।